नवंबर 1917 की क्रांति में कुछ नोट है, जैसे ब्रेस्टिलो टोवस्क की संधि क्या था? तो ब्रेस्टिलो टोवस्क की संधि जो है वह रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच में यह हुआ था अपने क्षेत्र के लिए, करीब रूस को एक चौथाई भाग को जो है वह किसको देना पड़ा था? जर्मनी को देना पड़ा। और रूस ने किसी तरह से इस संधि को अपना किया और एक चौथाई भाग अपना हिस्सा दे करके और प्रथम विश्व युद्ध से क्या किया था? बाहर निकल गया था, क्योंकि उन्होंने समझा कि अभी वर्तमान में अगर युद्ध में अगर हम लगे रहे तो हम ना रूसी जनता का भलाई कर सकते हैं और ना ही हम युद्ध में अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए लेनिन ने अपनी चतुराई को दिखाते हुए ब्रेस्टिलो टोवस्क की संधि किया रूस और जर्मनी के बीच में, जिसमें एक चौथाई भाग को उसे क्या करना पड़ा? गंवानी पड़ा, उसे अपने भाग को गंवाना पड़ा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से वो क्या किया? रूस अलग हो गया। और आपको एक प्रश्न याद रखना होगा, एक प्रश्न है आपका कि जब आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, जब 1929 में महाआर्थिक मंदी आई थी, तो विश्व के क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश था जो इस मंदी से अप्रभावित रहा था, माने वह प्रभावित नहीं हुआ था? तो वह एकमात्र देश कौन था? रूस था। क्योंकि रूस जो है उस युद्ध 1917 में, चूंकि 1918 में युद्ध संपन्न हुआ और 1917 में ही यह क्या किया था? उस प्रथम विश्व युद्ध से वापस चला है, जिसके कारण रूस पर जो है आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूस में उन्होंने क्या किया? नई आर्थिक नीति अपना करके, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अपना करके लेनिन ने क्या किया? किसानों को जमीन दे दिया और किसान अपना मनचाहे फसल उपजा करके जो है इतना ज़्यादा अप्रत्याशित वृद्धि किया कृषि में, जिसके कारण जो आर्थिक मंदी चला था 1929 में, जहाँ अमेरिका का, बड़े बड़े देशों का, विकसित देशों का बड़े बड़े कंपनियाँ दिवाला बोल चुका था, सभी जो है घुटने टेक दिया था, वहाँ पर रूस जो है अपना वहाँ पर कोई प्रभाव जो है कोई किसी भी तरह का कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं हुआ था। किस के कारण? यह ब्रेस्टिलो टोवस्क की संधि के कारण रूस क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर चलाया और एक चौथाई हिस्सा जो है अपना जमीन का वो किसको देना पड़ा था? जर्मनी को। इसके बाद एक पॉइंट में आता है लाल सेना। यह लाल सेना क्या था? तो लाल सेना ट्राटस्की के द्वारा गठित एक सेना था। ये लाल सेना क्या करता था? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब रूस में नवंबर 1917 की क्रांति हुई, लेनिन की सत्ता आई, तो आंतरिक विद्रोह भी शुरू हुआ और साथ ही साथ उस आंतरिक विद्रोह में विदेशी आक्रमण भी लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, चाहे वो अमेरिका का जो है हस्तक्षेप हो, चाहे वो जापान का हस्तक्षेप हो, चाहे फ्रांस का हस्तक्षेप हो। इन हस्तक्षेपों को रोकने के लिए ट्राटस्की, जो वहाँ का रूस का विदेश मंत्री बनाया गया था, उनके द्वारा गठित किया एक सेना था लाल सेना। यह लाल सेना विदेशी आक्रमणों को, विदेशी हमलों को क्या करता था? कुचलने का काम किया, उसको दबाने का काम किया लाल सेना ने। इसके बाद एक और पॉइंट आता मैंने जो लिखा है यहाँ पर चेका। तो चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। इस संगठन के द्वारा रूस में आंतरिक जो विद्रोह हो रहा था, देश के अंदर जो विद्रोह हुआ था, सरकार के खिलाफ जो कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा था विद्रोहियों के द्वारा, इस विद्रोहियों को दबाने के लिए, उस विद्रोहियों को दबाने के लिए, आंतरिक विद्रोह को कम करने के लिए यह गुप्त पुलिस संगठन था, जो अचानक किसी जगह पर जाकर छापा मार देता था और विद्रोहियों को पकड़ लेता था। तो यह चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। तो इस तरह से ब्रेस्टिलो टोवस्क की संधि, लाल सेना और चेका को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया।